खबर रीवा से है, जहां पंचायत आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान दल विकास खंडों से हुए रवाना। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा, उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर करछुलियान तथा उत्कृष्ट विद्यालय गगेव में जाकर मतदान सामग्री वितरण तथा मतदान दलों की रवानगी का जायजा लिया। उन्होंने सेक्टर ऑफिसरों को मतदान दलों को मतदान केंद्रों में पहुंचाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु पिछले कई दिनों से लगातार जिला प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा था और इस क्रम में आज मतदान दल पुलिस फोर्स रवाना हो रही है। परंतु हमने जो सेक्टर पुलिस मोबाइल है उनका मूवमेंट पहले से रखा हुआ था और इस क्रम में 71 वाहन लगातार हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और विभिन्न स्तर पर चेकिंग अभियान भी उनके द्वारा किया जा रहा है। और इस क्रम में हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी फोर्स दिया है और पर्याप्त मात्रा में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग गाड़ियाँ भी लगाई हैं। अन्य क्षेत्र के हमारे SDPs और TIB वर्तमान में इन्हीं सेक्टर में ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ पर निर्वाचन संपन्न होना है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, पर्याप्त पेट्रोलिंग व्यवस्था है। इसे देखते हुए हम लोग आशा करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होगा और आप सभी से अपील करते हैं किसी प्रकार का चुनाव में उपद्रव या बाधा उत्पन्न पहुँचाने का प्रयास न करें। प्रशासन पूरी शक्ति से उन उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शांतिपूर्ण मतदान में प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। तीनों विकास खंड के लिए सामग्री वितरण का काम पूरा हो गया है और पार्टियां अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। आने वाले एक घंटे के भीतर सभी पार्टियां निकल जाएगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 3 बजे के आसपास सभी पार्टियां अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी। बारिश के बावजूद भी मतदान दल के लोगों ने और जो चुनाव में लगी हुई टीम है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मतदान दल जो जा रहे हैं वो भी परेशानियाँ अगर कोई आती है बारिश की उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से मतदान और मतगणना का काम अच्छे से करके और कल शाम तक देर रात तक वापस आएंगे।